भोजपुर पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने 40 ग्राम हेरोइन के साथ एक हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसकी जानकारी सदर SDPO परिचय कुमार ने अपने कार्यालय में प्रेसवार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि आरा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गौसगंज मोहल्ला स्थित तिरमुहानी चौराहा से होकर चेतन पासवान अपने चाचा शशिरंजन राम के माध्यम से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला है। उक्त सूचना के सत्यापन, अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी व तस्कर की गिरफ्तारी हेतु नगर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में प्राप्त पुलिस अवर निरीक्षक सुमंत कुमार, आरा नगर थाना एवं थाना के सशस्त्र बल तथा क्रॉस मोबाइल के जवानों के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गांगी गौसगंज स्थित तिरमुहानी चौराहा के पास सघन वाहन चेकिंग की गई। जांच के क्रम में एक व्यक्ति पुलिस की टीम को देखकर भागने लगा, जिसे सशस्त्र बलों के द्वारा खदेड़ कर पकड़ा गया और उसकी विधिवत तलाशी ली गई तो उसके पास से 40 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया। गिरफ्तार हेरोइन तस्कर आरा नगर थाना क्षेत्र के गौसगंज आरा निवासी राजकुमार पासवान का पुत्र शशिरंजन राम है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की सूचना देने के लिए बुलाई गई है। भोजपुर पुलिस के द्वारा लगातार आसूचना असंगठन कर छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 1 मार्च 2024 को करीब रात के 8 बजे नगर थाना अध्यक्ष को ये सूचना मिली कि गौसगंज मोहल्ला स्थित त्रिमुहानी चौराहा के पास चेतन पासवान पेशर स्वर्गीय रविरंजन पासवान साकिन गौसगंज गांगी अपने चाचा शशिरंजन राम के माध्यम से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला है। उक्त आसूचना का सत्यापन, अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी एवं गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष स्वयं PSI सुमंत कुमार एवं अन्य सशस्त्र बल और क्रॉस मोबाइल टीम के साथ वहां पे एक वाहन चेकिंग की ये टीम लगाते हैं। और इसी क्रम में एक व्यक्ति ये पुलिस की टीम को देखकर भागने लगता है, जिसे हमारे सशस्त्र बल खदेड़ कर पकड़ते हैं और विधिवत उसकी तलाशी की जाती है। इसी क्रम में उसके पास से करीब 40 ग्राम हेरोइन बरामद किया जाता है और इसके बाद आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में आरा नगर थाना कांड संख्या 159/2024 दर्ज किया गया है। एक व्यक्ति की ये गिरफ्तारी हुई है और साथ ही अनुसंधान और जारी है और ये इस गिरोह के और भी लोग हैं जिनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। और मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि हमारी पुलिस लगातार अवैध पदार्थ और शराब के लिए छापेमारी कर रही है, तो जो लोग भी इस कांड में इन्वॉल्व है वो बचेंगे नहीं।